दुबई का ऐसा काला और घिनौना सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुबई का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, आलीशान बंगले, महंगी महंगी गाड़ियाँ और एक लग्जरी लाइफ के ही ख्याल आते हैं। आपने सोशल मीडिया पर दुबई की कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें दिखाया जाता है कि दुबई में हर कोई अमीर है, हर व्यक्ति यहाँ खुलकर अपनी जिंदगी एंजॉय करता है। लोगों के पास पैसा और सोने की कोई कमी नहीं है, लोगों के घरों में टॉयलेट भी सोने के बने हैं। कई वीडियोस में खूबसूरत लड़कियां ही दिखाई जाती हैं, लेकिन असल में ये दुबई का पूरा सच नहीं है। दुबई की असली सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। दुबई में इतने गंदे काम होते हैं कि सुनकर ही आपका चेहरा शर्म से लाल हो जाएगा। दुबई की काली करतूतों के बारे में जानने के लिए बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दुबई की चकाचौंध भरी जिंदगी वाली वीडियोस देखकर हर किसी का मन करता है कि क्यों ना दुबई जाकर ही बसा जाए। हर साल भारत से हजारों की संख्या में लोग रोजगार की तलाश में दुबई जाते हैं। दुबई ने पिछले 5 दशक में बहुत तेजी से तरक्की की है और इस तरक्की में भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों के लेबर का योगदान सबसे अहम रहा है। हजारों लाखों लेबर्स को इन देशों से दुबई ले जाया गया और वहां जाकर उन्हें गधा मजदूरी के काम में झोंक दिया गया। मजदूरों को लालच दिया जाता है कि वो 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की कमाई आराम से कर लेंगे और पैसों के लालच में लेबर क्लास दुबई जाने के लिए तैयार हो जाती है। पहले तो एजेंट टिकट, पासपोर्ट और वीजा जैसी चीजों के नाम पर $2,000 से $3,000 लोगों से वसूल कर लेते हैं और उसके बाद वे जब दुबई पहुंचते हैं तो उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हो जाता है। वहां पहुंचते ही सभी लोगों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। शुरुआत में 2 से 3 महीने ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन के नाम पर उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती। कड़ी धूप में 14 से 16 घंटे उनसे काम कराया जाता है और उन्हें रहने के लिए शहर से कई किलोमीटर दूर लेबर कैंप्स में जगह दी जाती है, जहां एक कमरे में 10 से 15 लोगों को ठहराया जाता है, जबकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 4 से 5 लोगों की होती है। पूरे कमरे में केवल एक पंखा लगा होता है। खाने के लिए रूखा सूखा भोजन दिया जाता है। इतना सब होने के बाद भी लेबर चाहते हुए भी वापस अपने देश नहीं आ पाते, क्योंकि जो पैसा खर्च करके वे वहां पहुंचे हैं उस पैसे की भरपाई करना जरूरी है। बहुत से लोग अपना सामान और जमीन गिरवी रखकर पैसों का जुगाड़ करके दुबई तक पहुंचते हैं और पासपोर्ट ना होने के कारण इंडियन एम्बेसी भी उन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाती। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 सालों में दुबई में 34,000 भारतीयों की मौत हुई है। रोजाना 5 से 6 लोग दुबई में मर रहे हैं और इनमें एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ का आंकड़ा बेहद कम है। अधिकतर लोग सुसाइड करके अपनी जान दे रहे हैं, क्योंकि नरक में रहने के कारण वे अपनी हिम्मत हार चुके होते हैं। न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। डोमेस्टिक वर्कर्स के बहाने मासूम लड़कियों को दुबई ले जाया जाता है, जहां घरों में उनसे 24 घंटे 7 दिन काम कराया जाता है। साथ ही उन्हें वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ता है। यदि कोई लड़की इसका विरोध करती है तो उसे मार दिया जाता है या जेल में बंद कर दिया जाता है। दुबई में वेश्यावृत्ति कानूनी रूप से अवैध है, ऐसा दुनिया को बताया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि जितनी वेश्यावृत्ति आज दुबई में हो रही है उतनी तो शायद ही आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। शाम ढलते ही यहाँ की रातें रंगीन होना शुरू हो जाती है। शेखों को रोजाना अपनी हवस शांत करने के लिए नई नई लड़कियों की जरूरत होती है। एस्कॉर्ट सर्विसेज के जरिए दुनिया के अलग अलग कोनों से महिलाओं को यहाँ लाया जाता है। शराब के नशे में चूर होकर शेख इन महिलाओं के साथ जो चाहे वो करते हैं। वो बदले में पैसा देकर महिलाओं की जुबान बंद कर दी जाती है। कई बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की डिमांड भी दुबई के शेख करते हैं और एक रात के लिए लाखों करोड़ों रुपए लुटाने के लिए भी तैयार रहते हैं। दुबई की जेलों में इंसानों को इंसान समझा ही नहीं जाता, बल्कि जानवरों से भी बदतर तरीके से यहाँ रखा जाता है। छोटे छोटे बैराकों में 15-20 कैदियों को रखा जाता है। उन्हें पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं होता और कई बार तो टॉयलेट में लगे नल का पानी ही पीना पड़ता है। खाना मिलने का यहाँ कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता और खाने की क्वालिटी भी काफी घटिया होती है। कई बार सड़े हुए अनाज और सब्जियों से भोजन बनाकर कैदियों को परोस दिया जाता है। दुबई में एशिया और अफ्रीका से हजारों लाखों की संख्या में लोग नौकरी और मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन वे मजदूर दुबई के कानूनों से अनजान होते हैं और छोटे से अपराध के लिए भी उन्हें कई साल जेल में बिताने पड़ते हैं। उन्हें कई तरह से यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है। स्पोर्ट्स के नाम पर युवा कैदियों को उल्टा लटकाकर कोड़े और बेल्टों से मारा जाता है। दलील में वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व प्रेसिडेंट मोहम्मद अल जाबी ने बताया था कि एक बार दुबई की जेल में 70 कैदियों को
इतनी बुरी तरह मारा गया कि उनके परिवार वाले उन्हें पहचान भी नहीं पाए। जब आपके खुद के घर वाले आपको पहचानने से इनकार कर दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैदियों के साथ कैसा सलूक किया जाता होगा। दुबई की जेलों में कुरान की क्लास चलाई जाती है और कैदियों को जबरन ऐसी क्लासेस अटेंड करने के लिए कहा जाता है। महिलाओं के बैराक में रात को 10 बजे अंधेरा कर दिया जाता है। इसके बाद कोई भी महिला किसी से बात नहीं कर सकती और ना ही कहीं आ जा सकती है। दुबई आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। जिस तरह से ये प्रकृति और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किसी भी समय महाप्रलय आ सकती है। दुबई में पीने का पानी साफ मौजूद नहीं है। डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए यहाँ पानी को फिल्टर किया जाता है, जिसमें बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। समुद्र के ऊपर मानव निर्मित आइलैंड्स बनाए गए हैं, जिनके लिए समुद्र के तट से रेत को बाहर निकाला गया। इससे पूरा बैलेंस गड़बड़ा सकता है। दुबई में विकास इतनी तेजी से हुआ है कि यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम आज तक ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाया। मानवाधिकारों का यहाँ पर जमकर उल्लंघन किया जाता है। न सिर्फ आम लोग बल्कि शाही परिवारों की महिलाएं भी यहाँ पीड़ित और त्रस्त हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम दुबई के प्रिंस हैं और साल 2019 में उनकी छठी पत्नी हया अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भाग गई थी। हया ने राशिद अल मक्तूम पर घरेलू हिंसा जैसे कई आरोप लगाए। इसके बाद दोनों का तलाक हो गया। साल 2020 में राशिद अल मक्तूम की बेटी लतीफा भारत के गोवा राज्य के पास गई थी। वो भी अपने पिता से परेशान होकर घर छोड़कर भागी थी। लतीफा ने बताया कि उसके पिता उसे जबरन घर में बंदी बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि यदि दुबई में इतने सब गंदे काम होते हैं और ये देश इतना घिनौना है, तो इसके बारे में लोगों को पता क्यों नहीं चल पाता और क्यों लोग दुबई जाने के लिए उतावले हुए रहते हैं? इसके पीछे का कारण है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑन मीडिया। दुबई में मीडिया के अधिकार बहुत सीमित है। मीडिया दुबई के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं पब्लिश कर सकती। दुबई में जो लेबर कैंप्स होते हैं, वे मुख्य शहर से 40 से 50 किलोमीटर दूर बनाए जाते हैं, जिस कारण पर्यटकों को उन कैंप्स के बारे में भी कभी पता नहीं चल पाता। शेखों की पार्टियां काफी प्राइवेट रहती हैं। और दुबई ऐसा कर क्यों रहा है? इसका सीधा सा जवाब है टूरिज्म को बढ़ावा देना। यदि दुबई के ये सभी काले सच लोगों को पता चल जाए, तो भला कौन दुबई जाना पसंद करेगा और कौन रोजगार के लिए अपने परिवार को छोड़कर दुबई जाएगा? इसीलिए वीडियोस में दुबई को एक लग्जरी और आलीशान शहर के तौर पर दिखाया जाता है। यहाँ की लाइफस्टाइल दिखाकर लोगों को आकर्षित किया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि दुबई मॉडर्न स्लेवरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा दुबई की घिनौनी सच्चाई का। वो कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ठीक ऐसा ही हाल दुबई का भी है। दुबई का केवल एक पहलू ही दुनिया को दिखाया गया है। धन्यवाद।